बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जाति और धर्म देख के विकास नहीं करता, आपको ये सही बात लगती है? क्योंकि बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म ही देखती है, अदरवाइज कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ जाति। हिंदू मुस्लिम अगर डिबेट भी करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर, कोई आपको जो विकास करना उसके बीच कुछ नहीं। और आज भी वोट मांग रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम के बीच से ही मांग रहे हैं, बेस पे विकास के बेस पे नहीं मांग रहे। बोल रहा है पहले बदल बात हो रही है जी, तो उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी ने विकास के मुद्दे को रोक के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा के उस पर वोट मांगा, तो हम जो है उनके खिलाफ है। उन्होंने किसी के नहीं, मोदी जी ने देश में रोजगार कायम किया है, वो कहते हैं उज्ज्वला योजना ले आए, स्वच्छता अभियान ले आए, सिर्फ कागज पे लेके आए बस, किसी के पास तक नहीं पहुंची कोई रोजगार। आप चेक कर लिए कितने लोग पहले जो रोजगार कर रहे थे, और कम हो गया इन 5 सालों में, जो GST और नोटबंदी जब से आई उसके बाद से बहुत से जो जॉब वाले थे उनकी भी जॉब चली गई। देखिए ये जो साथी कह रहे हैं कि बात को ध्यान देना चाहिए, नोटबंदी और GST सरकार के ये दो बुनियादी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में 3 साल पहले तक तो गाना गाया जाता था, लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी और उनके पार्टी के कोई मंत्री मंचों से अपनी इन उपलब्धियों पर एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, तो इसकी हकीकत समझी